कहाँ जा रहे हैं? हेलो एवरीवन, अभी हम सिटी सेंटर पे जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सा मूवी बोलो? उसका नाम है बाला। नहीं बाला नहीं, बाला तो कल आएगा। कौन सा मूवी है? दबंग 3 नहीं? हाँ दबंग 3। कौन है उसमें? कुछ भी नहीं पता वहाँ पर कौन है। अरे सलमान खान है ना? हाँ सलमान खान। किसके साथ जा रहे हैं अभी? अभी मैं पापा के साथ। हम पापा के साथ गाड़ी पे सिटी सेंटर पे जा रहे हैं। अच्छा चलो चलते हैं। चलो अभी हम सिटी सेंटर पे मिलते हैं। ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं, प्रतीक जो बोल रहा था हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं दबंग 3। वही उसका सैटरडे नाइट था उस दिन, तो हम लोग जा रहे थे। ऑफिस से आ गए थे वो जल्दी, तो हम लोग जा रहे थे सिटी सेंटर में। थोड़ी 4 बजे निकल गए थे हम लोग। तो ये भीतर का नज़ारा है, बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। ये लोग सामने चल रहे हैं। हम लोग थोड़ी पहले, मतलब मूवी टाइम था 6 बजे, तो हम लोग पहले ही निकल गए थे। थोड़ा शॉपिंग भी करना था, मुझे एक स्वेटर लेना था, तो इसीलिए पहले चले गए थे। अच्छा सजाया इन लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा था। क्रिसमस वाला लुक दे रहे थे, अच्छा लग रहा था बहुत। बच्चे बहुत खुश थे, बच्चे ट्रेन ये वो बहुत कुछ अच्छा लग रहा था उस टाइम। तो नेक्स्ट मैंने सैटरडे से क्रिसमस वाले दिन, मतलब वेडनेसडे को शूट किया था। ये है चर्च, तो मैं शूट कर रही थी यहाँ पर। और हम लोग गए थे, मेरे हस्बैंड, मैं, प्रतीक और मेरी देवरानी और छोटू सा बेबी, ये लोग हम लोग गए थे। ये लोग बैठे हुए थे पीछे, मैं शूट कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ठंड था उस दिन और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। हमारे पास में ये चर्च, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा। तो ये है बाप बेटा दोनों, और प्रतीक और मेरी देवरानी और छोटू सा बेबी देख रहा है किस तरह से। हम लोग आ गए थे फिर घर। तो आते वक्त हम लोगों ने केक लाया था, वही कटिंग चल रही है, ये लोग कटिंग कर रहे हैं। तो मैं वीडियो कर रही थी। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल सबको। तो अभी मैं किचन में आ गई थी, 9:30 बज चुका था। तो झटपट कुछ बना लेती हूँ ऐसे ही सोच के मैंने राइस बॉईल कर दिया था। फिर एग और राइस एक साथ बॉईल कर दिया था, बॉईल हो चुका था ये एग। तो अभी मैं एग को फ्राई करूँगी। बेसन और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दिया था, थोड़ा सा ही दिया था, वो मैं अभी फ्राई करूँगी, झटपट कुछ बना लूँगी। मैं सोच रही थी मतलब एक सेजवान राइस कुछ बना लूँगी, प्रतीक को भी अच्छा लगेगा, नाम भी बहुत सुंदर है, अच्छा है, बच्चों को बहुत ये सब अच्छा लगता है, और प्रतीक को ऐसे भी एक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं झटपट कुछ बना लेती थी। रात हो चुका था क्योंकि विंटर का सीज़न है, 9:30 बजे बहुत रात हो जाता है, देर हो जाता है, इसीलिए झटपट बना लेती हूँ। वही सोच के मैं बना रही थी। एक को मैंने बेसन का जो गोल बनाया था उसको डिप करके मैं ऑयल में दे रही थी, और थोड़ा फ्राई करके मैं उसको निकाल लूँगी। तो ये फ्राई हो रहा था, मैंने ऐसे ही चाकू से उसको उल्टा करने के लिए ले लिया, क्योंकि आप लोग प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा, मतलब ऐसे मुझे अच्छा मतलब इजी होता है, इसीलिए चाकू से मैं कर लेती हूँ कभी भी, हर एनी टाइम नहीं करती हूँ, आज मैंने कर दिया, आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। तो मैंने थोड़ा मतलब तेल ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा ही दिया था। तो मैं अभी फ्राई कर रही हूँ,
एक साइड को करूँगी, फिर दूसरे साइड को थोड़ा बहुत शैलो फ्राई, इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा शैलो फ्राई करके उसको निकाल दूँगी। फिर मैंने एक को निकाल दिया था फ्राई करके। अभी उसी तेल में मैंने मटर, अनियन और थोड़ा सा कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर ज़्यादा नहीं, मेरे पास एक्चुअली कैप्सिकम नहीं था, कैप्सिकम रहने से और ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है कैप्सिकम से, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने कॉलीफ्लावर दे दी। तो फ्राई हो चुका था, मैंने थोड़ा सा नमक दिया था उसमें और कुछ नहीं। तो मैंने राइस दे दिया था वहाँ पर कढ़ाई में, अभी इसको फ्राई कर, तो वही मैं चावल ऊपर में दे दिया, इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी अभी। तो अभी मैं वही जो मसाला पाउडर है सेजवान फ्राइड राइस का जो मसाला है वो ऊपर में दे रही हूँ अच्छी तरह से, फिर मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी तो हो जाएगा हमारा एग फैड, क्या बोलते हैं, एग सेजवान फ्राइड राइस घर में बना हुआ। आजकल बहुत टीवी में ऐड दे रहे हैं एक सेजवान फ्राइड राइस, ऐसे ऐसे पनीर और क्या नूडल्स वाला बहुत चल रहा है, घर घर में चल रहा है आजकल। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए, बच्चों को अच्छा लगता है, बड़े लोगों को भी अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पनीर के साथ भी बना सकते हो, मैं आज एक एक से बना लिया, आप लोग पनीर के साथ भी अच्छा लगता है घर में, आप लोग प्लीज़ ट्राई करके मुझे बोलना, अच्छा लगता है। तो वही मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही थी, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं था मेरे पास, नहीं तो कैप्सिकम देने से और ज़्यादा अच्छा लगता है, एक टेस्ट ही बढ़ जाता है कैप्सिकम देने से फ्राइड राइस में। तो हमारा बन चुका था एग फ्राइड राइस। तो हम लोगों का डिनर हो मतलब रेडी हो चुका था, मैंने प्लेट में दे दिया इन लोगों को, प्रतीक प्रतीक को इनको भी दे दिया था, प्रतीक को भी दे रही हूँ, झटपट बन जाता है ये फ्राइड राइस। और ये जो पैकेट है सेजवान जो पैकेट है इसका दाम भी ज़्यादा नहीं है, शायद 10 रुपये है शायद एक पैकेट, मैंने 3 लिया था, उस दिन भी मैं बनाया था पनीर वाला, आज मैंने एक से बना लिया। प्रतीक बोलो तो, मम्मी टेस्टी है, टेस्टी है, कैसा लगा एक फ्राइड राइस? नहीं राइस खाओ, टेस्टी। ओके तो ये लोग खा रहे थे, मैं भी अभी खाऊंगी, प्रतीक तो बोल रहा था बहुत अच्छा बनाया माँ, तो प्लीज़ आप लोग भी घर में बनाए मुझे बताना, हमारा छोटू सा यही है क्रिसमस सेलिब्रेशन, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट के ज़रिए आप लोगों ने कैसे किया, कैसे कैसे सेलिब्रेट किया। तो लास्टली आप सबको मैं बोल रही हूँ हैप्पी क्रिसमस टू ऑल, आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत हैप्पी रहिए। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग भी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।